पता नहीं यार मुझे क्या हो गया, वो मेरे आसाब पे छा गई। हर वक्त उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता। बहुत जल्द शादी कर लूंगा उससे। मैं सोच भी नहीं सकता कि तू किसी से मोहब्बत में इस तरह फंस जाएगा। वो भी एक बेवा से जिसके बच्चे हैं। क्या मतलब, बेवा इंसान नहीं होता? अगर वो बेवा है, उसके दो बच्चे हैं, तो इसमें उसका क्या कसूर है? उसके नसीब में ऐसा लिखा था, और शायद उसके नसीब में ये लिखा हो कि वो मेरी वजह से नई जिंदगी का आगाज करे। देख तू एक मिनट, एक बार फिर अच्छी तरह सोच ले। किसी और के बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता, और तेरे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। किसी और के बच्चों का बोझ किस तरह उठाएगा? मुश्किल तब हो जब मैं उन्हें बोझ समझूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि पांव कुल्हाड़ी पे मारे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आइसक्रीम खा, आइसक्रीम, लेक्चर ना देखा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आमिर, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में तुम्हारे जहन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, हमदर्दी से ज्यादा मुझे तुमसे मोहब्बत। तुमने जिंदगी में न जाने कितने दुख, कितनी तकलीफों का सामना किया, और मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल तुम्हें एक नई जिंदगी में देना चाहता हूँ। तुम्हें मंजूर? आमिर, शादी करोगी मुझसे? क्या है ये? ये मैं पीर बाबा के मजार से आपके लिए मस्त करके लाई, और ये आपकी हिफाजत करेगा। तुम भी कमाल करती हो शमा, तुम्हें पता है कि मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। आमिर, आप इसे हमारी मोहब्बत की निशानी समझ के रख लें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर सारी उम्र इसे मैं पहने रखूंगा। शमाना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, लगता है जैसे तमाम खुशियां मिल गई। और आपके आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अच्छा, वो बच्चों ने नाश्ता कर लिया? बच्चों ने नाश्ता कर लिया और अब यूनिफॉर्म पहन रहे। और मेरे कपड़े रेडी? आमिर, आप बच्चों को लेकर स्कूल जाएं, जब आप वापस घर आएंगे तो आपके कपड़े रेडी होंगे। नहीं नहीं नहीं, आज ऑफिस में ना बॉस की बेटी आ रही है, और मैनेजर ने बोला कि टाइम पर पहुंचा। गुस्से की इतनी तेज है कि छोटी छोटी गलतियों पे नौकरी से निकाल देती है। अच्छा ठीक है, आप चाय पिए, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। ठीक। कम से कम आज तो वक्त पर आ जाता यार, पता भी है मैडम ने आज टेक ओवर लिया है। यार आज वाकई मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। मेरी शक्ल मत देख, मैं बहाना नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। अगर तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या हुआ, अभी तक आई तो नहीं ना? टाइम से 5 मिनट पहले आ गई थी वो, और आज लेट आने वालों की लिस्ट भी मांगी है। और इत्तेफाक से तेरे अलावा कोई भी ऑफिस में लेट नहीं है। हाँ तो खा थोड़ी जाएगी, देख लेंगे, टेंशन क्यों। मिस्टर आमिर, आपको मैडम बुला रही है। जी जा बेटा, देख ले, खा तो नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मैं आमिर, आपने मुझे याद किया। आपको बैठने के लिए किसने कहा? I'm sorry, man.
मिस्टर आमिर, जहां तक मेरी नॉलेज है ये ऑफिस मेरे डैड का है, और इस ऑफिस की ऑनर होने के नाते मैं ऑफिस जल्दी भी पहुंची, है ना? इफ आई एम नॉट अवेयर, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे ये बताने में कि इस ऑफिस में आपकी कोई पार्टनरशिप है? मेरी नहीं मैम, मेरी तो कोई पार्टनरशिप नहीं है, मैं तो एक वर्कर हूं यहाँ। तो फिर आप ऑफिस लेट क्यों आए? और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये तो आपकी रोज की रूटीन है मिस्टर आमिर। एक तो ऑफिस लेट आना, उसके बाद लंच टाइम में एक घंटा गायब हो जाना, और फिर ऑफिस से जल्दी घर चले जाना, क्या है ये सब? I'm sorry ma'am, आइंदा ऐसे नहीं होगा। By the way, आप लंच टाइम के बाद एक घंटा कहाँ गायब रहते हैं, कुछ बताएंगे? वो मैम, बच्चों को स्कूल से घर छोड़ना होता है, इसलिए। अगर इस ऑफिस के सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ने लगे, इसके बाद उनको नहला धुलाकर खाना खिलाकर सुलाकर ऑफिस आएंगे, तो फिर इस ऑफिस में काम कौन जिन्नात करेंगे? तो आई थिंक मुझे इन जिन्नात को ही हायर कर लेना चाहिए, उन्हें अपॉइंट करके आप लोगों की छुट्टी कर देती हूँ, आपका क्या ख्याल है? सॉरी मैम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू मिस्टर आमिर, आपने अपने पर्सनल कामों के लिए इस ऑफिस का जितना भी टाइम जाया किया है ना, उसे आप ओवर टाइम की सूरत में इस ऑफिस को वापस करें। और हाँ, अपने किसी पर्सनल काम के लिए अगर आप ऑफिस से गायब रहे ना, तो फिर आप अपने घर रहिएगा, वापस आने की आपको जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? यस मैम। अब यहाँ खड़े रहकर अपना और मेरा वक्त जाया करने की बजाय आप अपना काम जाके कीजिए ना। थैंक यू। जी हेलो। हाँ शबाना, तुम बच्चों को स्कूल से घर ले आना, मैं नहीं आ सकूँ। क्यों आमिर, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ बस खैरियत ही है, मैडम ने सख्ती कर दी है कि कोई भी दफ्तरी औकात में दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, आज से मैं लेट आया करूँगा, उस जलाद की बच्ची ने मुझे लेट छुट्टी देनी। अच्छा चलें ठीक है, आप फिक्र ना करें, आज बच्चों को मैं घर ले आऊँगी, बस आप अपना ख्याल रखें। ओके। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आमिर, आज अब बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गए? तुम्हें बताया तो था मैंने, थक गया हूँ यार, आज सही रोजी हालात। तो क्या अब से इसी तरह डेली लेट आएंगे आप? हाँ, उसने तो यही कहा। बच्चे सो गए? जी, आपका इंतजार कर रहे थे, खाना ही नहीं खा रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खिला के जबरदस्ती सुलाया है। अब तो रोज ऐसा ही होगा, तुम इस तरह करना कि सुबह मेरे कपड़े रेडी रखना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा, अभी आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। ठीक। कहां से अजाब नाजिल हो गया मुझ पे,
फिक्र ना कर, ये अजाब भी जल्दी टल जाएगा। जब नौकरी से निकाल देगी तो अजाब खुद बखुद ही टल जाएगा। अबे बेवकूफ, नौकरी से भी नहीं निकलेगा और ये अजाब भी जल्दी टल जाएगा। वो कैसे, ये मरने वाली है क्या? अरे नहीं यार, इसका ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ शादी करने के लिए आई है, जैसी शादी हो जाएगी अमेरिका चली जाएगी। इस हिटलर से कौन शादी करेगा, पागल हो गया क्या? अगर दुनिया में ये आखिरी औरत बचेगी ना तो भी इसे कोई शादी नहीं करेगा। अरे बड़े बड़े पैसों के लालची पड़े हैं, पैसों की लालच में लोग पता नहीं कैसे क्या कर जाते हैं, तो फिर शादी है। और हिटलर तो ये हमारे लिए है ना, जिससे शादी होगी उसके लिए थोड़ी होगी। जो भी हो यार, बस इसे जान छोड़ जाए मेरी, अजाब बनी हुई है। यार कुछ भी खाओ, लंच बड़ा जबरदस्त था, मगर तूने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। क्या बताऊं, भूख और नींद सब उड़ गया, इतना काम हो रहा है। लेट नाइट ओवर टाइम करने का कोई फायदा है आपका? मैंने आपसे क्या कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे? तमाम कंपनियों के मुझे रिकवरी रिकॉर्ड अलग अलग चाहिए, यही कहा था ना मैंने आपसे, और आपने सबको यकजा कर दिया। सॉरी मैम, मैं आप मुझे बस एक घंटा दे दीजिए, मैं अभी तीनों रिकॉर्ड सेपरेट अभी अभी ला देता हूँ आपको। रियली? जो दो दिन में काम नहीं हो सका वो एक घंटे में करोगे? मिस्टर आमिर, ध्यान कहाँ रहता है आपका? कोई फैमिली प्रॉब्लम है आपके साथ? अगर है भी तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे काम से मतलब है। देखिए, जिस जज्बे के साथ आप अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, उसका 10% भी अगर मेरी कंपनी को दे देंगे ना, तो दोनों का भला होगा। एंड लिसन, काम खत्म करके ही जाना, समझ आई? जी। वालेकुम सलाम। आमिर, आज आपने कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी? एक छोटी सी गलती हो गई थी, उस पर इतना बेइज्जत किया उस औरत ने मुझे, सारा वक्त उस गलती को सुधारने में लग गया। देखिए आमिर, मैं कह रही हूँ कि आप अपने लिए दूसरी नौकरी देख लें। नहीं, मैंने ऑफिस से कर्ज लिया, जब तक कर्ज चुकाऊंगा नहीं नौकरी नहीं छोड़ सकता। कर्जा? कैसा कर्जा, कब और क्यों लिया था? शादी से पहले लिया, शादी से पहले मैं एक छोटे से कमरे के मकान में रहता, अब मैं तुम्हें वहां तो नहीं रख सकता था। इस घर का एडवांस, किराया, बच्चों की फीसें, स्कूल के दाखिले, सबके लिए पैसा तो चाहिए था, इसीलिए कर्ज लिया था। अच्छा आमिर, आपके अलावा क्या और भी लोग देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं? नहीं,
उसकी जिद सिर्फ मुझसे, मेरी वजह से ना ऑफिस में फजूल बैठी रहती कि कहीं ये घर जल्दी ना चला जाए। अल्लाह उनके दिल में रहम डाले, आप फिक्र मत करें, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आमिर आप लेटे रहे, आपकी तबीयत खराब है। क्या हुआ मुझे और ये क्या बांधा हुआ है मेरे सर पे? पता नहीं, आप रात को नींद में उठे और अपना सर दीवारों पर मारने लगे। आप बेहोश हो गए थे तो पड़ोस से मैंने सलीम भाई को बुलाया, उन्होंने आपके सर पे पट्टी कर दी। आप बकवास कर रही हो, और उसे क्यों बुलाया तुमने? बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को तो मैं स्कूल छोड़ आई। क्या, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? ऑफिस नहीं गया तो और अब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आमिर आप प्लीज लेट जाएं, आपकी तबीयत खराब है, आप मत जाएं। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ मेरे कपड़े इस्त्री करके। मगर आमिर, ऐसी हालत में तुम्हें आमिर भाई को ऑफिस नहीं भेजना चाहिए था। मैं क्या करती, मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की लेकिन ये माने ही नहीं। सलीम भाई ने क्या कहा? सलीम भाई कह रहे थे कि काम करने की वजह से दिमाग पे असर पड़ सकता है, आराम करेंगे तो ही ठीक होंगे। टकरे ही मार रहे थे या कुछ बोल भी रहे थे? कुछ अजीब सा अंदाज था, कह जा रहे थे कि चली जाए यहाँ से वरना मार दूंगा इसे। अल्लाह ना करे कहीं भूत पर इसका तो असर नहीं हो गया? पता नहीं, इससे पहले तो कभी इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात सुन, अगर अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा हो ना तो रूहानी इलाज करवाना, डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ना। यहीं करीब में ही हमारे पड़ोस में एक बाबा रहते हैं, मैं ले चलूंगी। आमिर ये सब नहीं मानते, वो कभी नहीं जाएंगे। अरे तो मैं बाबा को घर ही ले आऊंगी, तू फिक्र मत कर। अच्छा तुम बैठो, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ। अरे बस मैं भी घर चलूंगी, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। चल ऑफिस लेट आने के बहाने पुराने होने लगे तो तुम सर पे पट्टी बांध के आ गए। यू आर टू मच मैम, आप मेरा यकीन करें, ना तो मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना ही ये जख्म झूठ। अगर आप कहती है तो मैं आपको ये पट्टी खोल के दिखा दूँ। हाँ स्टॉप इट, स्टॉप इट, पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। देखो मिस्टर आमिर, मैं किसी को वार्निंग देने के बाद उसके साथ नरमी नहीं बरतती, लेकिन मैं तुम्हें एक और चांस दे सकती हूँ। आज से तुम घर अपने टाइमिंग पे जा सकते हो और तुम्हारी पनिशमेंट भी खत्म हुई। थैंक यू मैम। हाँ लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं।
नेक्स्ट टाइम इस बात का खास ख्याल रखना कि गलती से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई गलती हुई ना, तो आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अब अपने घर में रह सकते हैं, राइट? ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। खुश? अरे आमिर, आज अब इस वक्त कैसे आ गए? हाँ, बस उस हिटलर के दिल में रहम आ गया और आज से घर जल्दी आ जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आमिर, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, आज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। बेटा, आज नहीं, हम कल चलेंगे। आज बाबा की तबीयत खराब है ना? कल नहीं, हम आज ही जाएंगे। ये! मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, हाँ, मैं मुझे भी परेशान कर रही और बच्चों को भी। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बाबा, खैरियत है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। क्या बाबा जी, क्या ठीक नहीं है? तेरे मर्द पर साया है, खतरनाक साया, जो किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके हाथ और पाँव बांधने पड़ेंगे। बाबा जी, आप हमारी मदद करें। जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, मगर इसके लिए तुझे सदका देना होगा मुझे, क्योंकि मुझे इसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा, फिर ये बला इसकी जिंदगी से जाके दूर हो जाएगी। कितने पैसे लगेंगे? फिलहाल तू मुझे 5,000 दे दे, बाकी बाद में। और हाँ, ये तावीज इसे पानी में हिला के पिलाती रहना, और अभी फिलहाल तू मुझे रस्सी ला के दे ताकि मैं इसके हाथ मुंह बांध दूं। जी, मैं लाती हूँ। ये मिस्टर गोलीबाज अब तक नहीं है? हाँ जी मैडम, अभी तक तो नहीं आए हुए।
राइट इरम, तुम एक काम करो, इसकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट कर लो। और हाँ, गार्ड से कहना कि इसे यहाँ आने की परमिशन नहीं है। जी ठीक। जिस बात का डर सब वही हुआ, अभी आमिर के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि चक्कर क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कल आमिर के सिर पे चोट लगी हुई थी और पट्टी भी बंधी हुई थी, आज ऑफिस भी नहीं आया, सब ठीक तो है ना? नहीं शहजाद भाई, कुछ भी ठीक नहीं है, आप अंदर आए। ये क्या हिमाकत है, आपने इसे इस तरह क्यों बांधा हुआ है? शहजाद भाई, वो आमिर बाबा ने कहा है कि शायद ही किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या जहालत है ये, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। आमिर, आमिर उठो, आमिर उठो। शहजाद तू क्या? हाँ यार, ये क्या है, ये मेरे हाथ पांव? अच्छा आ जा, बस आ जा, तुझे हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ मैं। शहजाद भाई, वो आपने इस तरह बांध के अच्छा नहीं किया, रहने दीजिए आमिर बाबा को, चलो आ जाओ मेरे साथ। आमिर आप छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा आ जाओ। अच्छा, बैठा के लेट जाओ, आराम से आराम से। भाभी कुछ दवाइयाँ हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने बेसकूनी की वजह बताई है, दवा दे दी है इसे, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और प्लीज आप रस्सियाँ मत बांधिएगा इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, लेकिन रस्सी मैंने जानबूझकर नहीं बांधी थी, वो तो आमिर बाबा खुद बांध कर गए थे। इसे नीम का इंजेक्शन दे दिया, किसी से सोने दीजिएगा, और किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। जी आप इसमें नंबर सेव कर दें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। नहीं नहीं प्लीज, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए। शुक्रिया। इसे आराम कर लीजिएगा और कोई भी मसला तो मुझे फोन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं बचेगी तू, कहते ना तुझे चली जा, मार दूंगा मैं तुझे, तेरे बच्चे को भी मार दूंगा। नहीं बचेगी तू, नहीं बचेगी तू, मार दूंगा, मार मार दूंगा। हेलो शहजाद भाई, आप जल्दी आ जाएं, आमिर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप फौरन घर आ जाएं। जी जल्दी। जी शहजाद भाई, आमिर कहाँ है? डॉक्टर्स ने उसे एडमिट कर लिया है और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। आप मुझे बताएं आमिर कौन से हॉस्पिटल में, मैं अभी आती हूँ। भाभी आप घबराएं मत, मैं हूँ आमिर के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना, उसे देख लूंगा, वैसे जैसे उसे होश आता है मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ। मगर शहजाद भाई मुझे कुछ तो बताएं, आमिर कैसे हैं, क्या हुआ है उन्हें? भाभी प्लीज आप घबराएं मत, अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। अच्छा मैं डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, जैसे फ्री होता हूँ मैं आपके पास आता हूँ। मुझे आमिर की बहुत फिक्र है, आप फौरी मुझे बताइएगा। Thank you.
फिक्र नहीं कर, ज्यादा दिन बेहोश नहीं रहा तुम, बस सिर्फ दो दिन। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सच्चाई बता दी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। याद है, याद है तूने क्या कहा था? अच्छा भाई, हॉस्पिटल जाना ये? नहीं शहजाद भाई, कहीं नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं तुझे हकीकत क्या है सारी बात बताता हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ तुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप जाए जाए। देख हकीकत क्या है मैं तुझे बताता हूँ, तू चल मेरे साथ, चल चल कहीं बैठते हैं, मैं बताता हूँ तुझे। शहजाद यार मैं तंग आ गया हूँ इस मुफलिसी से, शबाना से, शबाना के बच्चों से। क्या बकवास कर रहा है तू? तू तो शबाना से मोहब्बत करता था ना, अब ऐसा क्या हो गया कि वो तुझे बुरी लगने लग गई है? क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई है, कोई है जो मेरी दुनिया बदल सकती है, मेरा हर ख्वाब पूरा कर सकती है। क्या मतलब, और कौन है वो? मैडम राफिया। क्या मैडम राफिया मोहब्बत करने लगी है वो मुझसे, मगर बीवी को छोड़ने की शर्त रखी। यार मेरा पासपोर्ट वीजा सब रेडी, इन लोगों को छोड़ने का कोई सीधा रास्ता तो नजर नहीं आ रहा था, इसलिए खेल खेलना पड़ा। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे हो सकता है। मैडम राफिया तो तुझे इतनी नापसंद करती है कि तुझे नौकरी से निकाल दिया। सब ड्रामा, औरत कम अकल होती है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, फिसल गई वो भी। यार दौलत हासिल करना मेरा ख्वाब, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या तुझे मैडम राफिया से मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत तो मुझे हो गई है, मगर राफिया से नहीं, उसकी दौलत से, उसकी अमेरिकन नेशनैलिटी से। कुछ अरसा उसकी दौलत समेटूंगा, फिर नेशनैलिटी मिलते ही उसे किक आउट कर। आमिर ये तो बहुत गलत करेगा, ये ठीक नहीं कर रहा तू। गलत तो वो भी कर रही है, वो कौन सा ठीक कर रही है, वो भी तो ड्रामा कर रही है ना तुम लोगों के सामने। देख मेरी बात सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तू पता है क्या कर? और फिर सब ठीक हो गया। मैं तुझे यहाँ ले आया, शायद मैं नशे की दवा पिला दी और तुझे बेहोश कर दिया, और फिर मैं सीधा मैडम राफिया के पास गया, उन्हें ना सिर्फ तेरी असलियत बताई बल्कि दिखलाई भी, और उससे एक फ़ायदा होगा कि उन्हें एक मुखलिस शौहर मिल गया। वेल डन आमिर, तुम मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते थे। मैं ही कम अकल थी जो तुम्हारी बातों में आकर सब कुछ भूल गई। आमिर अगर तुम्हारी वाइफ इतनी संगदिल है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरा से भी कदर नहीं है। हमदर्दी मैडम, मैंने उससे शादी सिर्फ हमदर्दी के नाते की थी, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। उसके लिए तो सब कुछ उसके बच्चे हैं, मैं तो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे करने लगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत का यकीन कैसे कर लूं? आपके इशारे पे जान दे सकता हूं, सारी उम्र आपका गुलाम बन के रह सकता हूं। तो क्या तुम
अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो? मजबूरी का रिश्ता है मैडम, सिर्फ एक मौका दे दें, मैं अपने तौर पे उसे जान छुड़वा लूंगा। आमिर, मैं तुम्हें कैसे अपना सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे कि मैंने एक मुलाजिम से, एक शादीशुदा से? मैम, आपके यहाँ आने से पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता था। आप मेरा यकीन करें, अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ देंगी तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैम, आप अपना रवैया मुझसे सख्त रखिए इन सबके सामने, और अगर मैं टाइम पे जॉब पे ना हूँ तो आप मुझे भले निकाल दें, इस तरह यहाँ किसी को शक नहीं होगा। और मैं वहाँ कुछ ऐसा करूँगा कि वो लोग मुझे खुद छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैम, प्लीज़ एक मौका दे दे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये तक नहीं सोचा जो शख्स अपनी बीवी को धोखा दे सकता है तो वो मेरे साथ वफा कैसे कर सकता है। आमिर, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होना तो जाके कहीं डूब मरो। अब इसका क्या करना है? इसे आजाद कर देते हैं। दोस्त है तुम्हें, इसलिए एक चांस तो तुझे जरूर दूंगा। एक बात कहूं, मुखलिस रिश्ते बहुत अनमोल हुआ करते हैं। खुद फना हो जा लेकिन उन्हें कभी मत छोड़। तुझे पता है तेरी बीवी दो दिन से मुझे फोन कर मेरा दिमाग खा रही है। हर बार फोन करके रोती है, पूछती है कि तुझे होश आया कि नहीं आया। और तू मेरी बात मान, अपनी बसी बसाई जिंदगी में वापस चला जा और उसी में खुशियां तलाश कर। जा, तुझे आजाद किया। आमिर, आमिर, आप कैसे हैं? आप कहाँ थे आप? आमिर, आप ठीक तो है ना? आमिर, आमिर, आमिर कुछ बोले ना, प्लीज बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आमिर, प्लीज कुछ बोले, क्या हुआ है आपको? कोई जिन, कोई भूत नहीं है मुझ पे। हवस कहां से था? छोटा यार। आमिर, प्लीज आमिर मुझे माफ कर दे। मैंने उस झूठे आमिर की वजह से आपको रस्सियों से बांध कर रखा। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुजरिम तो मैं हूं तुम्हारा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं, आमिर, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं?
हमेशा अपनी मोहब्बत के रिश्ते में बांध के रख ले, मुझे वो छोड़ना। बच्चे कहाँ हैं? जी, मैं अभी बुलाती हूँ। मोहन, परिया, जल्दी आइए, देखिए आपके बाबा हैं, जल्दी आइए। किस? ठीक है। आज से बाबा तुम्हें छोड़ेंगे भी, लेके भी आएंगे।